सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। साढ़े को दसवीं क्लास का असं टॉपिक शुरू कर रहे हैं ट्राइंगल्स त्रिभुज, ठीक है। ये छेवां चैप्टर है। ये त्रिभुज बारे तुहानू पता होएगा की होंगे ट्राइंगल, की होंगे ट्राइंगल यानी थ्री साइडेड क्लोज फिगर, ठीक है। तीन भुजावां वाली बंद आकृति नूं असीं की कहिंदे आ त्रिभुज। ये तुसीं पढ़िया बेसिक नॉलेज, ये तीन भुजावां ने तीन ही ये कोण ने। हुण त्रिभुज साढ़े को तीन तरह के होंगे ने, ठीक है। सब तो पहला विषमभुजी, विषमभुजी त्रिभुज, समद्विभुजी, समभुजी भुजावां दे आधार, ठीक है। विषमभुजी मतलब स्केलर ट्रायंगल, वो वाला त्रिभुज दीआं तिन्ने भुजावां बराबर ना हो, अलग अलग हो। समद्विभुजी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिहदे दो भुजावां ते दो एंगल बराबर, ते समभुजी यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिहदे विच तिन्ने भुजावां बराबर हुंदीआं ते तिन्ने कोण बराबर हुंदे यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। इह ते सी कि त्रिभुज दी ते त्रिभुज बारे बेसिक जिहड़े तुसीं पहली छोटी क्लास विच पढ़ चुके जी। हुण जो असीं त्रिभुज नाल रिलेटेड इत्थे जिहड़ा इस टॉपिक करना है, वह है साढ़े को समरूप, ठीक है। समरूप यानी कि इनू ही इंग्लिश कहने सिमिलैरिटी, सिमिलर। समरूप का मतलब होंगे एक तुसीं पढ़ी सी सरबन समता, ठीक है। सरबन समता मतलब कॉन्ग्रेंसी, सरबन समता ये होंगी है कॉन्ग्रेंसी। समरूप मतलब सिमिलर, दोनों में की फर्क है। देखो सरबन समता में जिहड़े दो त्रिभुज ने उन्हां दा साइज ते शेप दोवें की होंदे ने बराबर सेम, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज नूं जदों असीं दूसरे त्रिभुज ते रखांगे दोवें एक दूसरे नाल कोइनसाइड करनगे, जिस तरह यह दो हाथ है, ये दोवें की ने सरबन सम। एक नूं मैं दूसरे ते रखांगा तो पूरा पूरा कोइनसाइड करेगा, कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं, यह सरबन समता कॉन्ग्रेंसी। ये तिने कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण दोवें त्रिभुजों के, तो भुजावं भी बराबर होंगे संगत भुजावं, ठीक है। समरूप की होंगे, समरूप शेप तो इको जी होंगी है, बट सॉरी शेप अलग अलग होएगी, शेप इको जी होएगी, साइज अलग अलग होएगा, ठीक है। जिस तरह एक त्रिभुज ए है तो दूसरा त्रिभुज ए है, ठीक है। इन्हों का की है शेप इको जी है दोवे की, बट साइज अलग अलग है। शेप इको जी मतलब कोण बराबर होगी, जिस तरह यह त्रिभुज है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, हम ये कोण बराबर होगी, ए कोण बराबर होगा पी के, बी कोण बराबर होगा क्यू के, सी कोण बराबर होगा आर, ठीक है। तो साइड से इक्वल नहीं होनी है, कॉन्ग्रेंसी में साइड इक्वल होंगे, ये साइड जो प्रपोर्शनल होंगे मतलब संगत भुजावों में सेम बराबर अनुपात होंगे, वह नैक्सट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। हुण इत्थे समरूप बारे बेसिक जी, जरूरी नहीं त्रिभुज समरूप होने, कोई भी आकृति समरूप हो सकती है, क्लीयर। जिस तरह तुहाडा परछावा जिहड़ा उह तुहाडी शेप दे, तुहाडे परछावें दी शेप ते तुहाडी शेप सेम है, तुहाडी बॉडी दी सेम, मतलब दोवें एक दूसरे समरूप हो सकता है। तुहाडा परछावा छोटा होए या वड्डा हो सकता है, डिपेंड करता है जिथों रोशनी आ रही है, जे सोर्स तो लाइट आ रही है वह कितनी दूर है तुहाडे तों। जे वह तुहाडे लागे है इहदा मतलब तुहाडा परछावा थोड़ा वड्डा बनेगा, जे वह तुहाडे तों दूर है तुहाडा परछावा छोटा बनेगा, बट तुहाडा परछावा ते तुहाडी बॉडी दी शेप जिहड़ी है वह की होंदी ने शेप सेम होंदी है, वड्डी छोटी हो सकती है। इहदा मतलब असीं कहांगे दोवें च की है एक दूसरे दे समरूप है, सिमिलर है, क्लीयर। हुण तुहाडी जिहड़ी अभ्यास है 6.1, इहदे विच पहला जिहड़ा खाली थावां भरनियां ने, सारे चक्कर डैश होंदे हन, सारे चक्कर की होंदे ने समरूप होंदे ने, ठीक है। उन्हें ऑप्शन में दिते है दो ऑप्शन, समरूप होंदे ने कि सरबन सम होंदे ने, क्लीयर। चक्कर सारे की होंदे ने समरूप होंदे ने, सरबन सम चक्कर उही होणगे जिन्हां दीआं अर्ध व्यास बराबर होएगा,
ठीक है, जिस तरह मैं एक ए चक्कर ड्रा करता, एक ए चक्कर ड्रा करता, ये दोवें की ने समरूप ने, अर्थव्यास जिन्ना मर्जी हो सकता दोवां दा, बट जे दोवां दा अर्थव्यास बराबर है फिर वो समरूप ने, फिर वो की है सरबन सम ने, जेरे सरबन सम वो समरूप हो सकते ने, सरबन सम समरूप, क्योंकि समरूप में सिर्फ शेप बराबर होनी चाहिए, तो दो जे बराबर चक्कर होने तो शेप बराबर है ऑब्वियसली, इहदा मतलब ये सरबन सम चक्करां नूं समरूप भी कह सकते, बट हर एक समरूप सरबन सम नहीं होंदा, क्लीयर। फॉर सैकेंड, सारे वर्ग ये भी की होंदे ने समरूप ही होंदे ने, क्योंकि हुणे दस्सिया समरूप होण वास्ते संगत कोण बराबर होने चाहिए ने, संगत कोण की होने चाहिए ने बराबर, इस करके तुहानूं पता है जिहड़ा मर्जी वर्ग आ जाए हर एक वर्ग विच जिहड़ा सारे कोण किन्ने होंदे ने 90 डिग्री दे, इहदा मतलब सारे वर्ग की होणगे समरूप होणगे, सारे डैश त्रिभुज समरूप होंदे ने, सम दो भुजी जां सम भुजी, हुण सम दो भुजी मीनस आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल सारे जिहड़े समरूप यानी कि सिमिलर नहीं हो सकते, सिर्फ उही होणगे जिन्हां दे कोण बराबर है, बट सारे समभुजी, समभुजी यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो सारे समरूप होंदे ने, क्योंकि जेडे समभुजी त्रिभुज है उन्हां दा हर एक कोण किन्ना होंदा है 60 डिग्री दा होंदा है, ठीक है। इस तरह एक मैं इधर सम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, हुण दोवें समभुजी त्रिभुज दा मतलब कोण किन्ना है साडे कोल, सारे कोण किन्ने ने 60 डिग्री, तो ये फिर जिहड़े समभुजी त्रिभुज ने यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ने ये की होणगे साडे को समरूप होणगे, ठीक है। भुजावां दी एक समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंदे हन जेकर उन्हां दे संगत कोण की होण बराबर होण, ठीक है, संगत कोण की होने चाहिए ने बराबर फिर ये समरूप होणगे, अते उन्हां दी संगत भुजावां ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜ, ਸਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਭੁਜ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ, ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ये तो नैक्सट अभ्यास में पढ़ोगे समान अनुपात का की मतलब होंगे है, मतलब इन्हों की रेशो सेम होंगी है, रेशो की होंगी है सेम होंगी है, ठीक है। नैक्सट एक क्वेश्चन है तुहाडे थर्ड क्वेश्चन है, वो असी दो सानू बहुभुज गिवन ने जिन्ह के भुजावां की ने समान ने, करना है जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन उन्हें दूसरे प्रश्न में, तीन प्रश्न है सिर्फ तुहाडी अभ्यास में, दूसरे में उन्हें पूछा हेठ लिखा जोड़िया दी दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो समरूप चित्र, समरूप कोई भी दो उदाहरण दे सकते जिस तरह हमने किया असी दो समभुज त्रिभुज जो भी समरूप होंगे या दो चक्कर दो वर्ग, ठीक है, दो दो एग्जाम्पल देनिया ने, तो सैकेंड पार्ट अजे चित्र जो समरूप नहीं है, तो समरूप जे नहीं होंगे वो की ने दो आ सकते ने बिखमभुज त्रिभुज, दो बिखमभुज त्रिभुज जेडे समरूप नहीं होंगे, तो होर भी दे सकते जे दो चतुर्भुज कह सकते, ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज ये समरूप नहीं होंगे जिन्ना चक्कर इन्हों के कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। हुण नैक्सट थर्ड प्रश्न, हुण थर्ड में सानू दो बहुभुज गिवन ने, एक है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस यदि हर एक भुजा हैगी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी डी यदि हर एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, हर एक भुजा कि 3 सेंटीमीटर,
ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਮਰੂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਣ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਟ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਅਤੇ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਕੋਣ 90, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਣ 90 ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਸਮਭੁਜੀ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਵਰਗ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪੀ ਕਿਊ ਬਟਾ ਏ ਬੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਪੀ ਕਿਊ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਹੈਗੀ 3, ਹੁਣ 1.5 × 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਗਈ 1:2। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਊ ਆਰ ਬਟਾ ਬੀ ਸੀ, ਕਿਊ ਆਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਬੀ ਸੀ, ਕਿਊ ਆਰ ਵੀ 1.5 × 3, ਇਹ ਵੀ 1:2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ ਆਰ ਬਟਾ ਬੀ ਸੀ 1.5 × 3, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ 1:2। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪੀ ਐੱਸ ਬਟਾ ਏ ਡੀ, ਇਹ ਵੀ 1.5 × 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 1:2। ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਭਿਆਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੂਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਰੂਪਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਗਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।